नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन को बड़ी बढ़त, अभी भी मैजिक नंबर 270 से 6 कदम दूर, इलेक्टोरल वोट में काफी पिछड़े ट्रंप। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट पहुंची राष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई, रिकाउंटिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ट्रंप, चुनाव में लगाया धांधली का आरोप। अमेरिका चुनाव में वोटिंग के बीच बिडेन और ट्रंप दोनों ने किया अपनी अपनी जीत का दावा, नतीजों पर भारत सहित दुनिया भर के देशों की लगी निगाहें। बिहार में खत्म हुआ चुनावी प्रचार, आखिरी चरण में 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 सीटों पर होगी वोटिंग। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में महागठबंधन और एनडीए के दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। बिहार चुनाव के आखिरी दौर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, रैली में कहा, मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, लोगों से एनडीए को वोट करने की अपील। बिहार में एनडीए की बहुमत से बनेगी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह का दावा। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी वाले वादे पर कसा तंज, बिहार के बजट का पता होता तो ऐसी बातें नहीं करते। बिहार में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का लालू परिवार और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा बिहार को कर दिया बर्बाद, कोरोना के समय गायब थे तेजस्वी यादव। बंगाल में 2/3 बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार, मिशन बंगाल पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बंगाल की जनता ममता सरकार से चाहती है आजादी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों से पहले भाजपा और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी, मुख्यमंत्री शिवराज ने चुनाव प्रबंधन में जुटे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ किया लंच, कमलनाथ ने की ग्वालियर चंबल के नेताओं से बात। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर कसा शिकंजा, धार्मिक भावना भड़काने को लेकर दर्ज हुई FIR, कॉलेज के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कांग्रेस विधायक पर सरकार की कार्यवाही पर आमने सामने भाजपा और कांग्रेस, बोले सीएम शिवराज, कानून कर रहा है अपना काम, दिग्गी का पलटवार, चेहरा देखकर होती है कार्यवाही। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में निजी स्कूल अभी भी सिर्फ ले सकेंगे ट्यूशन फीस, जबलपुर हाईकोर्ट से पेरेंट्स को बड़ी राहत, 1 सितंबर के अपने आदेश को कोर्ट ने रखा बरकरार। चुनाव के बाद प्रदेश के लोगों को लग सकता है महंगाई का कारण, बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी में कंपनियां, प्रस्ताव पर हो रहा है मंथन। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बोरवेल में गिरे 3 साल के प्रहलाद को बचाने के लिए चल रही है जद्दोजहद, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी, सीएम शिवराज खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। नए कृषि कानून को लेकर पंजाब में फिर सड़क पर उतरे किसान, पंजाब और दिल्ली हाईवे को किया जाम, बुधवार को दिल्ली में अमरिंदर सरकार ने दिया था धरना। मुंबई हाईकोर्ट में पत्रकार अर्णव गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई, कल भी होगी सुनवाई, सुसाइड के मामले को लेकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है गोस्वामी। फरवरी तक आ सकती है भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन, वैक्सीन का ट्रायल आखिरी स्टेज में, 24 घंटे में फिर सामने आए कोरोना के 50 से अधिक नए केस। दिल्ली में दिवाली से पहले लोगों पर प्रदूषण की मार, सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा अब नहीं खुलेगी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने की अपील। टाइगर श्रॉफ को लेकर गणपत फिल्म अनाउंस, विकास बहल करेंगे फिल्म का निर्देशन, 2022 में फिल्म होगी रिलीज। रणवीर सिंह की फिल्म 83 की रिलीज आगे बढ़ी, क्रिसमस पर होने वाली थी रिलीज लेकिन अब अगले साल तक प्रदर्शन टला, बंटी और बबली 2 इस क्रिसमस पर हो सकती है रिलीज। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।